होगी। पहली रेसिपी हमारी आज की है क्रिंगल स्टिक्स। हमें क्या करना है, दो कप मैदा लेना है। ये दो कप मैदा आप एक बोल में डाल दीजिए, हाथ से करिए, या मैं फूड प्रोसेसर में डाल रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। उसमें हम एक कप ठंडा मक्खन डालेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठंडा मक्खन होना चाहिए। एक कप आप ये मक्खन डाल दीजिए और उसमें आपने डालना है एक कप क्रीम, जिसको हमें सा क्रीम बनाना है। सो सा क्रीम के लिए चंद कतरे हम लेमन जूस के डाल देंगे यहाँ क्रीम में, और इसको मिक्स करके, मैंने एक्चुअली थोड़ा सा क्रीम बचाया था, आई डोंट वांट टू ऐड अ लॉट ऑफ क्रीम, और इसको बहुत नरम ना कर लूँ। ये डो आप बना के एक दिन पहले रख लीजिएगा, रात को बना के फ्रिज में रख दीजिए, सुबह में ये क्रिंगल स्टिक्स बनाइए। दो कप मैदा, एक कप क्रीम जिसमें लेमन जूस डाला है, और एक कप ठंडा मक्खन। मैं क्रीम फिर भी कम डाल रही हूँ, ठीक है, बिकॉज हम इसको फिर बेल नहीं सकेंगे। और इसको आप चेक करिए, ठीक है, बस दैट्स इट। अब इसको थोड़ी देर आपने ठंडा करना है। फिलिंग के लिए मेरे पास यहाँ एक अंडे की सफेदी है, चीनी है पिसी हुई, वेनिला एसेंस है, अखरोट है। इसको मिक्स करके इन स्टिक्स के शेप में इसको काटना है, इसके बीच में रखना है, एंड दैट्स इट। इसको रोल करके बेक कर देना है। फिर जब ये बेक होके निकलेंगे, ऊपर हम आइसिंग शुगर और दूध का ग्लेज बना के डालेंगे। लेकिन इस डो को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी। वी नीड टू चिल इट अ फ्यू आवर्स। फ्यू आवर्स तो अब हमारे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन ये चिल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह पहले मिक्स कर दीजिएगा, और हाथ से मैंने इसलिए नहीं किया था बिकॉज आई वॉन्टेड कि वो मक्खन मेरे हाथों की गर्मी से पिघल ना जाए। मक्खन ठंडा रहना चाहिए, एक कप क्रीम हो, चंद कतरे आपने उसमें लेमन जूस के डाले। अब इसको आपने फ्रिज में रख देना है बिल्कुल चिल करने के लिए। इसको आप बेल नहीं सकेंगे, इसके आप 3 से 4 पेड़े बना के रखें, और उसके बाद फिर हम इसके छोटे छोटे स्टिक्स बनाएंगे। दिस इज़ जस्ट अ स्नैक, एक बिस्किट टाइप होगा जिसके बीच में अखरोट की फिलिंग होगी। बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं क्रिंगल बनाने के भी, ठीक है। कुछ लोग इसको सी शेप में बनाते हैं, कुछ लोग इसको राउंड में बनाते हैं लाइक अ बिग डोनट। तो अलग अलग तरीक़ों से हम बना सकते हैं। सो इसको पहले, इस डो को आपने ठंडा करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत क्रीमी सा डो बनता है इसलिए कि हमने इसमें सा क्रीम डाला हुआ है और मक्खन है पूरा, ठीक है, देख लिया। अब इसमें मैं ज़्यादा क्रीम नहीं डाल रही। अगर आप इसको ओवरनाइट रख रहे हैं तो पूरा कप भर के क्रीम डालिएगा, मैं नहीं डाल रही बिकॉज फिर वो डो हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ये मैं करती हूँ, ठीक है, एंड आई जस्ट पुट दिस इन द फ्रिज। देखिएगा, अच्छा अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ मेरा बोल है, इसमें मैं डालूँगी एक अदद अंडे की सफ़ेदी। इसमें हम थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालेंगे और चीनी है मेरे पास यहाँ आधा कप कैस्टर शुगर। सफ़ेदी बस बाइंड करने के लिए है ताकि वॉलनट्स जो हों अखरोट साथ रहें। चॉप किए हुए एक कप जितने अखरोट, ठीक है। तो दो कप मैदा है, एक कप ठंडा मक्खन था, एक कप क्रीम जिसमें चंद कतरे हमने लेमन जूस के डाले थे, आटा गूंद के वो रख दीजिएगा। हाथ से नहीं करिएगा, मशीन से या कांटे छुरी से करिएगा। बटर आपको तोड़ना है मैदे के अंदर। फिलिंग के लिए एक अदद अंडे की सफ़ेदी थी, एक टीस्पून वेनिला एसेंस, आधा कप चीनी पिसी हुई आम दानेदार चीनी जिसको पीस के आपने इस्तेमाल करना है, और एक कप आइसिंग, एक कप अखरोट। आइसिंग शुगर यहाँ मेरे पास 1 से 1.5 कप है, और दूध है वो बाद में करेंगे। सो आपको समझ आ गया, ये है इसकी फिलिंग। ठीक है जी, ये हम बनाएंगे। ये दूसरी
आराम से ज़रा हम बेल सकें इसको थोड़ा सा। इसे भी साथ साथ मुझे देखना है कहीं ये जल ना जाए। सो जब प्याज हो जाएगी मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट फर्स्ट। ओके, सो जितना हो सके स्टिक का शेप हमें देना है। मैं मैदा निकाल दूं फ्रिज में से, बिकॉज आई विल नीड टू पुट इट ऑन माय बेलन, वरना फिर उसको हम बेल नहीं सकेंगे। जी एक और कॉलर है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। कराची से। जी बोले। वरना आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे खाने बनाती है, आपसे सीखते हैं, सीखने का मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके सवाल का जवाब दूं? जी जरूर। कच्चे कीमे के कबाब और चकली कबाब, सीख कबाब, पालक कीमा। ओके। बिरयानी कीमे की। जी बिल्कुल, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक टीस्पून टेबलस्पून जितना, हाँ ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। फिलिंग आपने इस तरह किया और इसको उठा के ना आपने इसको बंद करना है, इसको लाइक अ स्टिक। फिलिंग बहुत नहीं डालिएगा वरना फिर ये बंद नहीं होगा। मैं मैदा ज़रा हाथों पे भी लगा दूं। डो हैज टू बी कोल्ड, ये आपने देख लिया। ब्रेक है, ब्रेक की तरफ चलते हैं। अगर आपको जीतना है, पहले थोड़ा सा दूध डालेंगे, पतला नहीं हो जाए बहुत, ठीक है। कॉलर हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी रफ ड्रिजल कर दीजिए, ठीक है। ये अंदर जज्ब भी हो जाएगा और ये जब सेट हो जाएगा तो अच्छा सा ये लगेगा भी।